इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस मुंबई पहुंची है। तांडव मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, तो यूपी पुलिस मुंबई पहुंची है, तांडव की टीम से पूछताछ होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देश भर में तांडव वेब सीरीज को लेकर के विरोध हो रहा है और अब यूपी पुलिस मुंबई पहुंची है। इससे पहले तांडव टीम ने फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का भी फैसला किया था। और दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, यूपी पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है और क्या जानकारी मिल रही है? इससे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो यूपी पुलिस की टीम है, जो चार अधिकारियों की टीम है, वो मुंबई पहुंच चुकी है और अब से कुछ देर बाद अपनी जांच शुरू करेगी। खासतौर पर जो नियम के मुताबिक सबसे पहले यूपी पुलिस की जो टीम है वो मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करेगी और मुंबई पुलिस के साथ ही कुछ जो पुलिसकर्मी है उनके साथ ही जो है वो, चाहे वो तांडव से जुड़े जो कलाकार हैं, निर्माता निर्देशक हैं या फिर अमेजॉन प्राइम से जुड़े जो लोग हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए आज अपना जो कार्य है वो शुरू करेगी। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि यूपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही जो अमेजॉन प्राइम के और फिल्म से जुड़े कलाकार हैं उन्होंने माफी मांगी थी और जो विवादित सीन है उसको हटाने के लिए भी कहा था। लेकिन अब देखना अहम ये होगा कि जब यूपी पुलिस अपनी जांच शुरू करती है तो उससे पहले क्या वो जो तांडव फिल्म से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ करती है या फिर पहले अमेजॉन प्राइम के दफ्तर जाती, जो पीकेसी इलाके में मौजूद है, वहां पर पूछताछ की जाती है। तो सबसे अहम ये होगा कि पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, अब से कुछ देर बाद ही जसप्रीत अपनी जांच जो है वो यूपी पुलिस की टीम जो है वो शुरू करेगी। बिल्कुल दिवाकर, इससे पहले अब तांडव टीम ने माफी मांगी है और आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी लखनऊ पुलिस की टीम का पहुंचना तो क्या ये दर्शाता है कि वहाँ इससे जो है पुलिस संतुष्ट नहीं है? और क्या और भी शहरों की पुलिस वहां पर पहुंच सकती है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जैसे कि अभी तक की जानकारी है कि जो उत्तर प्रदेश, खासकर सोनभद्र में भी एफआईआर हुई है, लखनऊ में भी एफआईआर हुई है और अब जो जानकारी मिल रही है कि जबलपुर में भी एफआईआर हुई है, यानी कुल मिला के पूरे देश में एफआईआर हुई है, लेकिन मुंबई में अभी एफआईआर नहीं की है, तो कानूनी सलाह लेने की बात कह रही है। लेकिन अब जबकि यूपी पुलिस पहुंची है और यूपी मुंबई पुलिस कोऑपरेट करती है, क्योंकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर लिया नहीं है, तो कितना कोऑपरेट करती है ये भी देखना अहम होगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा जा चुका है कि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ जरा भी कोऑपरेट नहीं किया, चलते विवाद भी पैदा हुआ था। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुंबई पुलिस कितना कोऑपरेट करती है और अगर कोऑपरेट करती है तो हो सकता है कि यूपी पुलिस अपनी जांच जो है आसानी से शुरू कर सके और जांच को निपटा के जल्दी जा सकती है। तो अहम ये होगा कि जो चार पुलिस अधिकारी हैं यूपी पुलिस टीम के, वो मुंबई पुलिस से पहले कांटेक्ट करेंगे और फिर मुंबई पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों के साथ अपनी जांच शुरू करेंगे। बिल्कुल दिवाकर, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। तो अब यूपी पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है और इस मामले में जो तांडव टीम के लोग हैं उनसे पूछताछ